गुड इवनिंग एंड जैन स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आई एम सपना सिंह, योर पॉलिटिकल साइंस टीचर। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट क्लास 12 चैप्टर 5, चैलेंजेस टू एंड डिस्टॉर्शन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। इट्स पार्ट ऑफ 5th ऑफ दिस चैप्टर। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द आउटकम ऑफ 1971 इलेक्शन। द कांग्रेस सीपीआई अलायंस वॉन मोर एंड वोट्स दैन द कांग्रेस हैड ever won in the first four general election. The Congress CPI won 375 seats in the Lok Sabha and secured 48.4% votes. Indira Gandhi Congress won 352 seats and 44% of popular votes on its own. जैसे हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि इंदिरा गांधी जी ने 1970 में, बिफोर 1971 इलेक्शन से कुछ मंथ पहले ही, अपनी जो पार्ट गवर्नमेंट थी उसको डिसॉल्व कर दिया था, लोकसभा को भंग कर दिया था, और 1971 में जबकि इलेक्शन होने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंदिरा गांधी जी की जो स्ट्रेटेजी थी, गरीबी हटाओ और अदर ऑपोजिशन पार्टी की केवल एक ही स्ट्रेटेजी थी, इंदिरा हटाओ, वो कहीं ना कहीं काम कर गई और इंदिरा गांधी ने 1971 के इलेक्शन में काफी भारी मतों से मेजोरिटी में उनकी जीत हुई। 375 सीट्स में से उनको 352 सीट्स मिली और उनमें से जो 44% वोट्स थे वो केवल इंदिरा गांधी की पॉपुलरिटी के कारण ही कांग्रेस पार्टी को मिले थे। और जो ये जीत थी, कहीं ना जो फर्स्ट फोर इलेक्शन हुए थे कांग्रेस पार्टी से, उससे बढ़कर थी। और जो बिग अलायंस हुआ था अपोजिशन पार्टी का, वो पूरी तरह से फेल हो चुका था। द ग्रैंड अलायंस ऑफ द अपोजिशन प्रूव्ड अ ग्रैंड फेलियर एंड देयर कंबाइंड टैली ऑफ सीट्स वाज लेस देन 40। जैसे बताया, जो ग्रैंड अलायंस था पूरी ग्रैंड फेलियर साबित हुआ था। इन 1947 इंडो पाक वार लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बांग्लादेश एंड दिस इवेंट्स एडेड टू द पॉपुलरिटी ऑफ इंदिरा गांधी। कंटिन्यू ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में कंटिन्यू जो कॉन्फ्लिक्ट बना रहा, उसके कारण बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। और इसमें इंडिया और पाक की जो लड़ाई हुई थी, इस टाइम में कंट्री की जो पीएम थी वो प्रधान वो इंदिरा गांधी जी थी। और इस रीजन से कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी की खोई हुई छवि थी वो वापस आ चुकी थी, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान को काफ़ी बुरी हार दी थी और इंदिरा गांधी की जो इमेज बेकार हुई थी, जो खराब हुई थी, वो फिर से वापस आ चुकी थी। उनकी पॉपुलरिटी बढ़ चुकी थी इस रीजन से। एंड इवन द अपोजिशन लीडर एडमायर्ड हर स्टेट्समैनशिप। हर पार्टी सब थ्रू ऑल द स्टेट असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 1972। और 1972 में जब असेंबली इलेक्शन हुए, द कांग्रेस वाज नाउ इन द पावर इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स। जो कांग्रेस पार्टी थी वो जितनी भी ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में वो उसको अपनी गवर्नमेंट बनाई, पावर में आ गई, जो लास्ट इलेक्शन में वो खो चुकी थी। एंड द पार्टी ऑक्यूपाइड ए सिमिलर पोजिशन इन टर्म ऑफ इट्स पॉपुलरिटी एज इन द पास्ट, बट इट वॉज डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टी। लास्ट जैसे पास्ट में कांग्रेस पार्टी की जो पॉपुलरिटी थी, जो इमेज थी, फिर से वो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के टाइम में वापस आ चुकी थी। 1971 के इलेक्शन में वापस आ चुकी थी, स्टेट लेवल पे, नेशनल सेंट्रल लेवल पे वो वापस आ चुकी थी। एंड दिस कांग्रेस पार्टी डिड नॉट हैव मैनी फैक्शन, इट कुड नॉट accommodate all kinds of opinion and interest. अभी जो ओल्ड कांग्रेस पार्टी थी, ये पहले जैसी पार्टी नहीं थी, ये चेंज हो चुकी थी जैसा मैंने बताया। अब इसमें इतना फैक्शन नहीं था, इसमें जितने भी जो मेंबर्स थे उनके ओपिनियन को सुना जाता था, उनमें इंटरेस्ट लिया जाता था, उनकी बातों को कहीं ना कहीं फेवर करा जाता था और उनको फॉलो करा जाता था। डिस्पाइट बींग मोर पॉपुलर, द न्यू कांग्रेस डिड नॉट हैव द काइंड ऑफ कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब ऑल टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट दैट द कांग्रेस सिस्टम वॉज नॉन फॉर। उसके बाद कहीं ना कहीं जो लोग ये मानते थे कि अनएक्सपीरियंस इंदिरा गांधी कुछ नहीं कर पाएंगी, उनके ऊपर डिपेंड रहेगी, अब वो भी इंदिरा गांधी का लोहा मानने लगे थे, उनकी स्ट्रेटजी को एडॉप्ट करने लगे थे और जितने भी उनके मेंबर्स थे उन्हीं के को फॉलो करने लगे थे, कोई भी उसके अगेंस्ट में नहीं था। और इस सब का रीजन ये हुआ, जो इंदिरा गांधी थी वो एज ए डिक्टेटर कंट्री में वर्क करने लगी, उनके अगेंस्ट में कोई भी जो पार्टी का मेंबर होता था वो नहीं जा पाता था। और धीरे धीरे उन्होंने एज ए डिक्टेटरशिप ही इंडिया में क्या करा था, इमरजेंसी को लागू कर दिया था, जिससे जो पब्लिक है वो भी उनके खिलाफ चली गई थी ना।
और इस तरह जो कांग्रेस पार्टी की जो इमेज थी जो इतने दिनों बाद ठीक हुई थी और वो फिर से कंट्री में खोने लगी थी। नाउ थैंक यू स्टूडेंट, इन नेक्स्ट चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक।